तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम टोटल 3 शेयर्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। आज ही के दिन टाटा मोटर्स ने अपने Q2 के नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, जिसको हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेकिन यहां पर लेटेस्ट जो अपडेट देखने को मिल रही है वो टाटा मोटर्स की डीलिस्टिंग से रिलेटेड देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, टाटा मोटर्स डीलिस्ट होने वाली है। क्या है कंप्लीट न्यूज, आइए जानते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देख सकते हैं ऑफिशियल न्यूज ये निकल कर आई है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको डेट और टाइम कंफर्म करवा देना चाहता हूं। 9 नवंबर 2022 आज ही के दिन ये न्यूज निकल कर आई है, जिसमें टाटा मोटर्स टू डीलिस्ट ADRs फ्रॉम NYSE फ्रॉम January 2023। यानी कि अल्टीमेटली अगर मैं आपको इसे एक डिटेल में बताऊं तो UK के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि अमेरिका के अंदर जो स्टॉक मार्केट है, वहां पर भी टाटा मोटर्स लिस्टेड है। लेकिन अब टाटा मोटर्स वहां से डीलिस्ट होने का प्लान कर रही है और January 2023 में वो पूरी तरीके से डीलिस्ट भी हो जाएगी। अब देख सकते हैं टाटा मोटर्स इज गोइंग टू डीलिस्ट इट्स अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट फ्रॉम द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम जनवरी। तो CNBC TV18 की तरफ से ये न्यूज देखने को मिल रही है। द लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर सेड इट हैज टर्मिनेटेड इट्स अमेरिकन डिपोजिटरी शेयर प्रोग्राम रफली अराउंड 18 ईयर्स सिंस दे फर्स्ट स्टार्टेड ट्रेनिंग्स। यानी कि 18 सालों के बाद में, 18 साल पहले न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर टाटा मोटर्स लिस्ट हुई थी, लेकिन अब वो वहां से डीलिस्ट होने का प्लान कर रही है। तो क्या इंडिया के अंदर भी, जो इंडियन स्टॉक मार्केट भी है, वहां से भी टाटा मोटर्स डीलिस्ट हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, इंडिया के अंदर, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर तो टाटा मोटर्स लिस्ट रहेगी। आप जैसे टाटा मोटर्स के अंदर खरीदारी करते हैं वैसे आप खरीदारी कर पाएंगे, और अगर ऑलरेडी आपने खरीदारी कर भी रखी है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात करें कि टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डीलिस्ट करने का प्लान क्यों कर रही है, तो उसको लेकर भी यहां पर क्लेरिफिकेशंस निकल कर आया है। दिस विल हेल्प सिंप्लीफाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो यहां पर अपने एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसे सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर ये स्टेप्स टाटा मोटर्स की तरफ से उठाया जा रहा है। तो यदि आपने टाटा मोटर्स ADR के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, देख सकते हैं ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर टाटा मोटर्स के ADR की अगर आप प्राइस देखेंगे तो $26.90 आपको देखने को मिलती है। यदि आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो डेफिनेटली यहां पर आपको एट अ राइट टाइम प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी। हालांकि अभी आपके पास काफी समय है इस शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। एक डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया है कि टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस पर, यानी कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट है, उस पर कोई मेजर इंपैक्ट हमें इस न्यूज का देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कल के दिन थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल टाटा मोटर्स का इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो शेयर प्राइस है, जो लिस्टिंग है, वो एज इट इज हमें देखने को मिलने वाली है। तो यूट्यूब के ऊपर जो भी आपसे रूमर्स अफवाह फैला रहे हैं कि टाटा मोटर्स इंडियन स्टॉक मार्केट से भी डीलिस्ट होने वाली है, तो ऐसी कोई भी अपडेट यहां पर निकल कर नहीं आई है। चलिए बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। आज का दिन ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए अगेन काफी अच्छा रहा। आज के दिन अगेन हमें शेयर्स के अंदर लगभग 4.5% की तेजी देखने को मिली। हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्राइडेंट के अंदर एक फ्रेश ब्रेकआउट तो ऑलरेडी देखने को मिल ही चुका है, लेकिन आज के दिन अगेन ट्राइडेंट के अंदर हमें काफी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिन के अंदर ट्राइडेंट लिमिटेड का शेयर 10% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है, और साथ ही साथ आज के दिन ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर हमें कुछ बड़ी बल्क डील्स भी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की आज के दिन की बल्क डील मैंने आपके सामने ओपन कर रखी है 9 नवंबर 2022, जहां पर 2 बड़ी बल्क डील्स आज के दिन हमें देखने को मिल रही है। जहां पर सबसे पहली बल्क डील्स आप देख सकते हैं सुबह 1:28 पर हमें देखने को मिले, जहां पर 2,25,259 शेयर्स खरीदे गए हैं ट्राइडेंट के अंदर, जिनकी वैल्यू की अगर बात करी जाए तो ऑलमोस्ट 87 लाख रुपीस की यह बल्क डील्स हमें देखने को मिली है। और अगेन 1:28 पर एक और बल्क डील सेम शेयर्स सेम क्वांटिटी में यहां पर खरीदे गए हैं, जिनकी वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो 87 लाख रुपीस देखने को मिलती है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, काफ़ी बल्क क्वांटिटी में यहां पर माल खरीदा जा रहा है। साथ ही साथ ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर कल का दिन बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि कल के दिन कंपनी अपने जो अक्टूबर मंथ है उसके प्रोडक्शंस के नंबर्स डिक्लेयर करेगी, और साथ ही साथ इसी वीक हमें 12 नवंबर के दिन कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट भी देखने को मिलने वाले हैं।
तो यदि आपने ट्राइडीन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो 35 रुपीज के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं और इस शेयर्स के अंदर लॉन्ग टर्म पर्पज से अपने जो होल्डिंग से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे कैरी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में जिसका नाम है ग्लॉस्टर लिमिटेड। ये भी एक टेक्सटाइल बेस्ड कंपनी है जहां पर आज के दिन आपको इस शेयर्स के अंदर 10% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। ग्लॉस्टर लिमिटेड के अंदर तेजी के पीछे के दो बड़े रीजन निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले कंपनी ने अपने Q2 के नंबर्स तो डिक्लेयर कर दिए हैं लेकिन साथ ही साथ कंपनी ने 50 रुपीज पर शेयर का 50 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है और साथ ही साथ बोनस को लेकर भी अनाउंसमेंट करी है। ग्लॉस्टर लिमिटेड की बात करें तो पिछला एक महीना ग्लॉस्टर लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। ऑलमोस्ट 67% के रिटर्न्स यहां पर हमें शेयर्स के अंदर देखने को मिल चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो आज ही के दिन ये न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसमें ग्लॉस्टर जंप्स 10% ऑन डिविडेंड एंड बोनस इश्यू, स्टॉक अप 118% सिंस June 2020। तो यहां पर आप देख सकते हैं 20 जून के बाद में कंटिन्यूसली हमें शेयर्स के अंदर काफ़ी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ कंपनी ने 1:1 के रेशो का बोनस भी अनाउंस किया है। सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर डेट और टाइम कंफर्म करवा देना चाहता हूं, 9 नवंबर 2022 आज ही के दिन ये न्यूज निकल कर आई है जिसमें ग्लॉस्टर लिमिटेड ने सबसे पहले तो 1:1 के रेशो का बोनस अनाउंस किया है और 50 रुपीज पर शेयर्स का यहां पर आप देख सकते हैं डिविडेंड अनाउंस किया है। बात करें कि कंपनी ने यहां पर डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट क्या फिक्स करी है तो यहां पर आप देख पाएंगे इज इन्फॉर्म ऑन 31st October 2022 द कंपनी हैज फिक्स वेडनेसडे यानी कि 16th November इज द रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस असर्टेनिंग टू द एलिजिबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट ऑफ इंट्रीम डिविडेंड। यानी कि 16 नवंबर तक अगर आप इस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जो 50 रुपये पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस डेट को आप अपने पास में नोट डाउन करके रख सकते हैं। इस कंपनी की अगर कुछ स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेब्ट फ्री देखने को मिलती है। साथ ही साथ कंपनी अपने बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग 0.93 times ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है और एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशो कंपनी मेंटेन करते हुए चल रही है। ग्लॉस्टर लिमिटेड के अगर हम Q2 के नंबर्स की भी बात कर लें तो कंपनी ने अपनी जो सेल्स डिक्लेयर करी है वहां पर 195 करोड़ की सेल्स डिक्लेयर करी है और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 29 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लेयर किया है जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो कि जून क्वार्टर में 9% का रह गया था वो अगेन बढ़कर 15% पर पहुंच चुका है। वहीं अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने काफी हेल्दी नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, आप देख सकते हैं 19 करोड़ रुपए का, जिसके चलते कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर रेशो है वहां पर भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं ग्लॉस्टर लिमिटेड के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न के बारे में क्योंकि यहां पर आप देख पाएंगे स्मॉल कैप कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डिंग्स पैटर्न है वो काफी अट्रैक्टिव है जहां पर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 72% की है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट 14.7% का है। वहीं रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो सिर्फ 12.5% का देखने को मिलता है। यानी कि इस स्मॉल कैप कंपनी के अंदर ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं हो सकते हैं जिस कारण से यदि आप इस शेयर्स के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बाजार की खबर को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।